नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग रीजनल सिंथेसिस को स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग एरियल डिफ्रेंशिएशन को या क्षेत्रीय विभेदीकरण को ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं। आप यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। ओके, तो ये रहा टेबल ऑफ कंटेंट। इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, पहले डिस्कस करेंगे क्षेत्रीय विभेदीकरण और रीजनल सिंथेसिस। रीजनल सिंथेसिस को हिंदी बोलते हैं क्षेत्रीय संश्लेषण या प्रादेशिक संश्लेषण। ठीक है, प्रादेशिक संश्लेषण। तो इसमें अंतर क्या है दोनों में, वो देखेंगे। फिर प्रादेशिक संश्लेषण का थोड़ा ओवरव्यू देखेंगे क्या है। फिर वेरी का ज्योग्राफिकल मैट्रिक्स है जो रीजनल सिंथेसिस को स्टडी करता है, प्रोसेस को बताता है, उसको देखेंगे। फिर रिलेवेंस देखेंगे हमारे अभी करंट टाइम में क्या रिलेवेंस है क्षेत्रीय संश्लेषण का या रीजनल सिंथेसिस का। फिर वन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे यूपीएससी एग्जाम में जो पूछे गए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है एरियल डिफ्रेंशिएशन वर्सेस रीजनल सिंथेसिस। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि दोनों ही रीजनल ज्योग्राफी का पार्ट है। किसका पार्ट है, रीजनल ज्योग्राफी का पार्ट है। दोनों ही बताता है रीजनल ज्योग्राफी क्यों इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंट क्या है और उसकी स्टडी कैसे करनी चाहिए। ठीक है, तो पहला रहा एडी एरियल डिफ्रेंशिएशन और रीजनल सिंथेसिस आरएस। ठीक है, एरियल डिफ्रेंशिएशन क्या बताता है कि क्यों रीजन को स्टडी करनी चाहिए, इसका आंसर देता है। यानी रीजन का इम्पोर्टेंस को बताता है जो ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लिए। ठीक है, रीजनल सिंथेसिस क्या बताता है, हाउ रीजन शुड बी स्टडी। ठीक है, उसके प्रोसेस को बताता है कैसे रीजन को स्टडी करनी चाहिए। ठीक है, ये तो मेजर डिफरेंस हो गया वाई एंड हाउ में। तो इसको आप ध्यान रखिए, एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो हाँ, तो पहला हम लोग देख लिए, इसके बाद देखते हैं रीजनल सिंथेसिस क्या है। दोस्तों दो पार्ट्स बना है रीजन और सिंथेसिस से। रीजन का मतलब है एक होमोजीनियस कैरेक्टर, एक ज्योग्राफिकल एरिया जिसकी होमोजीनियस कैरेक्टर हो। मान लो हिंदी भाषी क्षेत्र एक क्षेत्र हो गया, या तमिल भाषी क्षेत्र वो भी एक क्षेत्र हो गया, या रेनफॉल हो जिसकी 200 सेंटीमीटर हो वो भी एक क्षेत्र हो गया। ठीक है, या क्लाइमेट रीजन क्लाइमेट क्षेत्र वो भी क्षेत्र हो गया। ये सब क्षेत्र का एग्जाम्पल है। तो एक क्षेत्र होगा, सिंथेसिस का मतलब क्या है कि वहाँ पे जो क्षेत्र हैं उसके बहुत सारे ज्योग्राफिकल वेरिएबल होंगे। मान लो इस क्षेत्र के टेम्परेचर क्या है, एक वेरिएबल हो गया, और उसकी रेनफॉल क्या है, ये भी एक वेरिएबल हो गया। यहाँ पे क्लाइमेट क्या है, ये भी एक वेरिएबल हो गया। यहाँ पे सॉइल किस टाइप के, वो भी वेरिएबल हो गया। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, पॉपुलेशन क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, सारे वेरिएबल हो गए। इसको कलेक्शन करना है, यानी एक जगह रखना है और उसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करके जो रीजन है उसके डिफरेंट लोकेशन होंगे, तो इन लोकेशन के जो ज्योग्राफिकल वेरिएबल है जो अभी हम लोग देखे टेम्परेचर रेनफॉल सारी चीज़ों, उसको इंटीग्रेट करना और कंपेयर करके कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना। ठीक है, ये क्या हुआ, डेटा हो गया जो हमारे काम का नहीं है। इस डेटा से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, ज्योग्राफिकल वेरिएबल से इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, उस प्रोसेस को बताता है रीजनल सिंथेसिस। तो रीजनल सिंथेसिस क्या बताता है, रीजन को स्टडी कैसे करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इस पर ध्यान दीजिएगा, हाउ कैसे करनी चाहिए उसका आंसर देता है। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं आगे। हाँ, इन वन लाइन बोलेंगे तो रीजनल सिंथेसिस क्या होते हैं, किसका स्टडी करते हैं, स्पेशियल टेम्पोरल और ह्यूमन फैक्टर का, यानी दोनों आते हैं। ऐसा नहीं मान लो कोई ज्योग्राफिक रीजन है, इसका जो अभी का स्पेशियल मतलब टू डायमेंशन एक्स एंड वाई। ठीक है, इसका जो अभी का है जो ज्योग्राफिकल वेरिएबल है उसको नहीं, अभी से 100 साल पहले क्या थी, 50 साल पहले क्या थी, 1000 साल पहले क्या थी उसको भी एनालिसिस करना, यानी कि थ्री डायमेंशन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई और यहाँ पे जेड में टाइम आ जाएगा टेम्पोरल। और ह्यूमन फैक्टर, ह्यूमन फैक्टर का क्या रोल है, इस सबको स्टडी करना एक रीजन का रीजनल सिंथेसिस में आ जाता है। इस लाइन को आप ध्यान से पढ़िएगा या इसको मेमोराइज कीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आगे चलते हैं, रीजनल सिंथेसिस क्या है। तो जो बेरी का ज्योग्राफिकल मैट्रिक्स क्या है, ठीक है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली। तो एक अमेरिकन ज्योग्राफर थे जी एल बेरी, उसने एक्सप्लेन किया कि रीजनल सिंथेसिस किसके थ्रू, एक ज्योग्राफिकल मैट्रिक्स के थ्रू। ठीक है, उसको हम आगे देखेंगे। तो इस मैट्रिक्स में क्या है, थ्री डायमेंशनल मैट्रिक्स है। फर्स्ट रो क्या, जो रो है वो एट्रीब्यूट को
एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है, जो कॉलम है वो लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो थर्ड जो मैट्रिक्स की डायमेंशन है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। ये रहा इसका डायग्राम टाइप का। ठीक है, एक रीजन है, मान लो दिल्ली, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र है, जिसमें एक लोकेशन है न्यू दिल्ली। याद रखिए कि ये एक एक क्षेत्र का ही भाग है, फिर ओल्ड दिल्ली दूसरा लोकेशन है, फिर मथुरा तीसरा लोकेशन है। ओके, फिर उसमें देखो यहाँ पे क्या था, जो रो थे किस जियोग्राफिक एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको भी याद रखिएगा, जियोग्राफिक एट्रीब्यूट। ठीक है, रो ए हो गया, टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया। ठीक है, और कॉलम जो है लोकेशन को, इसको भी याद रखिएगा, जो बेरी का जियोग्राफिक मैट्रिक्स है उसमें रो जियोग्राफिक एट्रीब्यूट या करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और जो कॉलम होते हैं वो लोकेशन को दर्शाता है। ठीक है, और जो थर्ड डायमेंशन होते हैं वो टाइम को दिखाता है कि अभी अभी इसकी जियोग्राफिक फीचर ये है, दो महीने पहले इतने थे, 100 साल पहले क्या थे, 200 साल पहले क्या थे, 1000 साल पहले क्या थे, सारे डेटा को एनालिसिस करते हैं इस मैट्रिक्स के थ्रू। वो कैसे देखेंगे, जो 10 पॉइंट बेरी ने दिया है उसके थ्रू हम लोग एनालिसिस करेंगे, वो आगे देखते हैं। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे थ्री डायमेंशन है, रो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जियोग्राफिक मैट्रिक जियोग्राफिक के करेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया और ह्यूमिडिटी हो गया, अदर वेरिएबल यहाँ पे मान लो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, पॉपुलेशन क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे कॉलम क्या रिप्रेजेंट करता है लोकेशन को, न्यू दिल्ली, ओल्ड दिल्ली, मथुरा। ठीक है, तो मान लो एक कानपुर का एग्जांपल लेते हैं, अदर मान लो न्यू दिल्ली, एक कानपुर एक मान लो क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे एक लोकेशन क्या हो जाएगा, जो आईआईटी कानपुर का क्षेत्र है, फिर रावतपुर का क्षेत्र है, फिर तीसरा मान लो विकास नगर का क्षेत्र है। ओके, फिर रेलवे स्टेशन का क्षेत्र है, तो इन सब क्षेत्रों ये लोकेशन हो गए, लोकेशन इसको हम कॉलम में दिखाएंगे, और फिर इस लोकेशन का जो हम लोग जियोग्राफिक वेरिएबल जिसको हम एनालिसिस करने वाले हैं उसको रो में दिखाएंगे। ओके, तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा मैट्रिक्स में क्या कैसे शो करते हैं। फिर आगे चलते हैं, तो इन्होंने 10 अप्रोच दिया, 10 इन्होंने मेथड दिए या 10 पॉइंट दिए कैसे एनालिसिस करनी चाहिए एक क्षेत्र को। तो यहाँ पे सेल विद इन द रो पहला है, सेल कौन सा है, यहाँ पे आप देखते हैं सेल कौन सा, मान लो यहाँ पे फिर से बना लेते हैं एक। ठीक है, तो हमारा ये लोकेशन हो गया, ये रो हो गया, तो ये सेल हो गया। ठीक है, तो सेल विद इन द रो मतलब इस रो में इस सेल की बात की जा रही है, तो ये क्या है, स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है। मान लो एक वेरिएबल हो गया टेम्परेचर, तो इस लोकेशन का टेम्परेचर 20 है, इसको 23 या 23 है, तो 3 डिग्री का डिफरेंस हुआ, तो वो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है। ओके, तो बेरी क्या बोलता है, फर्स्ट मेथड क्या बोलता है, सेल विद इन द रो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है। फिर आते हैं नीचे, फिर सेल विद इन द कॉलम, अब ये कॉलम है, ठीक है, ये सेल है, ये कॉलम है, तो सेल विद इन द कॉलम इस कॉलम की बात कर रही है, क्या करते हैं, लोकलाइज जियोग्राफिक फीचर की बात करता है। यानी मान लो यहाँ पे न्यू दिल्ली था, तो टेम्परेचर रेनफॉल, तो लोकलाइज फीचर यानी कि न्यू दिल्ली का टेम्परेचर इतना है 23 डिग्री, रेनफॉल 200 सेंटीमीटर है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितने हैं, 1023 समथिंग। ठीक है, वो क्या दर्शाता है, लोकलाइज जियोग्राफिक फीचर को दर्शाता है। फिर तीसरा क्या है, स्पेशियल वेरिएशन कैन बी स्टडीड बाय कंपेयरिंग टू रो, यानी कि स्पेशियल वेरिएशन जो हम लोग निकालना हो तो क्या करेंगे, टू रो को कंपेयर करेंगे, टेम्परेचर को एक वेरिएबल है यहाँ पे, और दूसरा रो का वेरिएबल क्या है, रेनफॉल, इसको यदि कंपेयर करेंगे, यहाँ पे न्यू दिल्ली हो जाएगा, ओल्ड दिल्ली हो जाएगा दोनों को, तो हमारा क्या निकलेगा, स्पेशियल वेरिएशन, दोनों में लोकेशन में क्या वेरिएशन है, वहाँ पे क्या टेम्परेचर थी, रेनफॉल थी, यहाँ पे क्या थी, ये क्या करेंगे, रो को कंपेयर करने से निकालेंगे। फिर एरियल डिफ्रेंसिएशन, एरियल डिफ्रेंसिएशन क्या है, जियोग्राफिकल जो डिफरेंस है उसको कैसे कंपेयर करेंगे, लोकेशन को, यदि लोकेशन को कंपेयर करेंगे, यानी लोकेशन कहाँ रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को, तो कॉलम को यदि कंपेयर करेंगे तो हम पता चलेगा कि जियोग्राफिकल क्या वेरिएशन है, जैसे न्यू दिल्ली ओल्ड दिल्ली में क्या वेरिएशन है, यदि उसको कॉलम को
कॉलम के जो फीचर्स हैं उसको कंपेयर करेंगे। फिर पांचवा में क्या बोला कि सब मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे। मान लो एक स्मॉल मैट्रिक्स, एक बड़ा मैट्रिक्स है, इसका सब मैट्रिक्स इतना है, इसको स्टडी करने के लिए बोल रहा। फिर आपका हो गया स्पेशल वेरिएशन कैन बी कंपेयर बाय द सेम रो थ्रू टाइम। अब यहाँ पे पाँच के बाद सेम रिपीट हो जाएगा विद टाइम के साथ, तो 5 × 2 हो जाएगा 10। ठीक है, इसको आप रखिएगा। 5 क्या थे, अभी 2D डायमेंशनल पे हम लोग स्टडी कर रहे थे, अब इसी 2D को टाइम से करेंगे। यहाँ पे टाइम फीचर ऐड हो जाएगा तो 10 पॉइंट हो जाएंगे। इसको इजी वे में आप ऐसे समझ सकते हो, 5 क्या है, 2 डायमेंशनल, यानी कि जो कॉलम और रो को स्टडी, दो कॉलम को कंपेयर कर रहे थे तो क्या निकल रहा था, दो रो को कंपेयर कर रहे थे क्या निकल रहा था, वो 5 पॉइंट में दिए गए। इसी को टाइम से देखते हैं तो 10 पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टडी आप स्पेशल वेरिएशन बाय कंपेयरिंग द सेम रो थ्रू टाइम। अब यहाँ पे स्पेशल वेरिएशन कैसे निकलेंगे, दो रो को कंपेयर करेंगे। मान लो पहला रो था टेम्परेचर वाला और दूसरा रेनफॉल वाला, तो दो रो को कंपेयर करेंगे थ्रू टाइम, यानी कि 100 साल पहले क्या थी, अभी क्या है, 200 साल पहले क्या थी। टाइम से कंपेयर करने पे हमारे स्पेशल वेरिएशन निकलेंगे किसमें, टेम्पोरल स्पेशल में। ठीक है, यहाँ पे दिया है कंपेयरिंग द प्रेजेंट डे टेम्परेचर विथ न्यू दिल्ली विथ 100 ईयर्स एगो टेम्परेचर। तो हमारा क्या है, टेम्परेचर में क्या वेरिएशन आ रहे थे, 100 साल पहले क्या थी, 200 साल पहले क्या थी, उस रीजन का डेटा निकलेगा। ठीक है, फिर सातवां क्या बोला, गेट सीक्वेंस ऑक्यूपेंस, यानी पहले यहाँ पे मान सीक्वेंस ऑक्यूपेंस का मतलब है, सिंपल से मतलब पहले यहाँ विलेज हुआ करती थी, फिर टाउन हो गया, फिर सिटी हो गया, फिर मेगा सिटी हो गया, ऐसे सीक्वेंस ऑक्यूपेंस। किसी एनालिसिस करने मिले कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द सेम लोकेशन थ्रू टाइम, यानी मान लो न्यू दिल्ली का अभी का क्या जियोग्राफिक फीचर है, मान लो पॉपुलेशन अभी 100 थी, अभी 100 है, 100 साल पहले क्या थी, 50 थी, 200 साल पहले क्या थी, तो क्या सीक्वेंस ऑक्यूपेंस निकलेंगे, कब, जब टाइम से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो फिर आठवां पॉइंट क्या बोलता है, रो विथ अनदर रो कंपेयर करेंगे, तो रो को अनदर रो से कंपेयर करेंगे, यानी इस रो को टेम्परेचर से टाइम डायमेंशन भी कंपेयर करेंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन निकलेंगे। फिर कॉलम को कॉलम से टाइम डायमेंशन, टाइम के थ्रू 100 साल पहले इस कॉलम में क्या जो वेरिएबल थे, 200 साल पहले क्या थे, उसको करेंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन निकलेंगे। यानी ऐसे एनालिसिस करने का उन्होंने 10 पॉइंट दिया, जिसके थ्रू प्रॉपर रीजन को या क्षेत्र को एनालिसिस करके हम किसी भी मॉडल या थ्योरी या किसी कंक्लूजन पर पहुँच सकते हैं कि उसका क्या रिलेवेंस है। ठीक है, तो अभी रिलेवेंस देखते हैं कि इसका क्या रिलेवेंस है एक्चुअली में। तो अभी मान लो क्लाइमेट चेंज चल रहा है, ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज का यदि ट्रेंड जानना हो, ठीक है, ऐसे हवा में तो नहीं बोल सकते, क्लाइमेट चेंज का ट्रेंड जानना हो तो किसी क्षेत्र में क्या करेंगे, जो अभी के टेम्परेचर है 100 साल पहले क्या थी तो हमको पता चलेगा, 200 साल पहले क्या थी तो हमें पता चलेगा कि क्लाइमेट चेंज किस स्पीड में बढ़ रहा है। ठीक है, तो रीजनल सिंथेसिस इसको हेल्प कर सकता है, यानी रीजनल सिंथेसिस से ग्लोबल टेम्परेचर राइज को हम लोग मेजर कर सकते हैं और उसको रोक भी सकते हैं, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में होगा तो पता चलेगा कि इस इंक्रीज कर रहा है तो इसको डाउन करने में क्या क्या पॉइंट उठाने चाहिए, या किस क्षेत्र में इंक्रीज कर रहा है, किस क्षेत्र में इंक्रीज नहीं हो रहा, यानी पूरे अर्थ में तो ग्लोबल टेम्परेचर एक साथ तो राइज नहीं हो रहे, मतलब सेम रेट में राइज नहीं हो रहा है, किस रीजन में ज़्यादा राइज हो रहे हैं, किस रीजन में नहीं राइज हो रहा है, किस रीजन में डिक्लाइन कर रहे हैं, वो सब रीजनल सिंथेसिस को एनालिसिस करने से जान सकते हैं। ठीक है, इसमें सीक्वेंस ऑक्यूपेंस को बताता है कि पहले क्या थी, पहले फॉरेस्ट ड्वेलर थे, फिर विलेजर हो गए, फिर टाउन हो गए, सीक्वेंस ऑक्यूपेंस को अच्छे से एनालिसिस करता है। तो आज के रिलेवेंस ये भी है, रीजनल सिंथेसिस हेल्प एनालिसिस रीजनल डिस्पैरिटी। अब क्या है कि कोई रीजन है, एक लोकेशन है, न्यू दिल्ली में कितना डेवलपमेंट है, ओल्ड दिल्ली में कितना है, उसको डिस्पैरिटी को भी हम मेजर कर सकते हैं रीजनल सिंथेसिस द्वारा। तो तीन मेजर यहाँ पर रिलेवेंस है, इसको आप याद रखिएगा, और कुछ भी हो आप ऐसे सोच सकते हैं कि क्या क्या रिलेवेंस हो सकता है। ठीक है, ये मैंने तीन पॉइंट दे दिए हैं आपको सोचने के लिए। तो चलो आज का लास्ट जो पार्ट है वो आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, इसमें UPSC 2015 पूछा था रीजनल सिंथेसिस इज ए क्रक्स ऑफ ज्योग्राफी स्टडी। ठीक है, इसका मतलब है ज्योग्राफी स्टडी का रीजनल सिंथेसिस मेन पॉइंट है, यानी क्रक्स है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि रीजनल सिंथेसिस को एनालिसिस करना हो तो रीजनल सिंथेसिस में क्या बोलता है, तीनों को लेता है, टेम्परल को भी लेता है और स्पेशल को भी लेता है और ह्यूमन फैक्टर को भी लेता है। तो यदि इस तीनों फैक्टर को आप लोगे तो ज्योग्राफी स्टडी
क्या हो जाएगा, बहुत डिटेल्ड जियोग्राफी स्टडी हो जाएगा और बहुत कुछ इससे जान सकते हैं, ठीक है, बहुत कुछ जान सकते हैं, यानी सारे इन्फॉर्मेशन निकल सकता है, कैसा ट्रेंड है, जैसे ग्लोबल राइज का एग्जाम्पल लिया था, कैसा ट्रेंड है, पॉपुलेशन किस स्पीड से बढ़ रहा है, या बोल सकते हैं कि रिसोर्स डिक्लाइन कर रहा है, सबका आंसर रीजनल सिंथेसिस दे सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या है, क्रक्स है ज्योग्राफी स्टडी का। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, इस वे में आप इसका आंसर दे सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको लेक्चर पसंद आया होगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ पॉइंट ऐड करना हो तो कमेंट कीजिएगा, कुछ इशू हो तब पर भी कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके, थैंक यू।